हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी क्या है एक स्पीसीज की एक हैबिटेट में, मतलब एक स्पीसीज की एक हैबिटेट के अंदर क्या कैरिंग कैपेसिटी है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या था जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक क्यों था? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ज़्यादा रियलिस्टिक क्यों था? वो रियल लाइफ से बिलोंग क्यों करता था? तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है हमारा है की कॉन्सेप्ट है हमारा कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी होती क्या है? कैरिंग कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक हैबिटेट सपोर्ट कर सकता है जब उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल अ हैबिटेट कैन सपोर्ट। एक हैबिटेट में कितने इंडिविजुअल मैक्सिमम आ सकते हैं तो ये हमारे पास होता है, वो भी लिमिटेड रिसोर्स में आने चाहिए। कितने इंडिविजुअल मैक्सिमम आ सकते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल था वो रियलिस्टिक क्यों है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पहले बनता कैसे है पहले वो देखते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज आता है, जैसे कि वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पे क्या है कि पहले तो ग्रोथ जो होती है वो एसलेट होती है क्विकली, पहले बहुत जल्दी ग्रोथ होएगी, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ग्रोथ जो होएगी वो थोड़ी मैक्सिमम हो जाएगी स्लो होने से पहले, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जो ग्रोथ का साइज है वो कम होता रहेगा। तो जहाँ पे ये बन गया है, तो जहाँ पे ये बन गया है तो उस पे हम क्या कहते हैं, ये देखिए जहाँ पे ऐसे क्रिएट हो गया है एक टाइप का मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जब लिमिटेड रिसोर्स हो चुके हैं तो उस पे हम क्या कह रहे थे, उसको कैरिंग कैपेसिटी, इसे हम कह रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखिए जब इस पॉइंट देखिए जब बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है तो अर्ली ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल पहले ग्रोथ हो रही है और वो एक्सेलरेट कर रही है काफी फास्टली, एक्सेलरेट क्विकली बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जैसे यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ होने वाला वो पॉइंट है जो बिफोर इट। अब ये तब तक है जब तक स्टार्ट बिगिन टू स्लो, स्लो होनी स्टार्ट नहीं हुई से पहले वाला पॉइंट। उसके बाद क्या होता है कि जो लेटर है ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, और वो इतनी स्लो हो जाती है कि वो जीरो लेवल पे होती है, ग्रोथ होनी बंद हो जाती है बिल्कुल ही। तो ये हमारा होता है लॉजिस्टिक मॉडल, लॉजिस्टिक लॉजिक ग्रोथ मॉडल, ये हमारा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है इसकी रियलिस्टिक क्यों है ये हम देखते हैं। इसके दो रीजन है जिसकी वजह से ये रियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक है इसके दो रीजन है। पहला है अकाउंट्स फॉर रिसोर्स लिमिटेड, क्योंकि ये रिसोर्स लिमिटेड की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी है और ये दिखा रहा है कि ग्रोथ कैसे स्लो हो रही है जैसे जैसे रिसोर्स स्कार्स हो रहे हैं। तो ग्रोथ स्लो होती जा रही है एज रिसोर्सेज जो हैं, एज जो प्रोडक्ट हैं वो बिकम स्कार्स, उनकी कमी हो रही है तो वो क्या हो रहे हैं कि ग्रोथ भी रुकती जा रही है, स्लोली होती जा रही है। उसके बाद इसका जो शेप थी वो एस शेप्ड कर्व था। एस शेप्ड कर्व जो है ये क्या था कि इनिशियली तो रैपिड ग्रोथ है,
शुरू में देख रहे थे, हम देख रहे थे ना बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही थी, फिर उसके बाद स्टेबलाइजेशन आ जाता है। स्टेबलाइजेशन एज द हैबिटेट जो है रीच इट्स लिमिट, जैसे ही हैबिटेट ने अपनी लिमिट पहुंच गया तो वहां पे स्टेबलाइजेशन आ जाता है। तो हमारा जो था लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ये टोटली रियलिस्टिक है। तो ये जो हमारा मॉडल था ये ओवरऑल टोटली रियलिस्टिक मॉडल है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। और इसके लिए जो की कंसेप्ट था हमारे की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन का आंसर है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। होप फॉर द बेस्ट।